Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. राजस्थान में नागौर के डेगाना में विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा में एक बड़ा हादसा हो गया। शोभा यात्रा में चल रही एक बलेरो गाड़ी के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और कार बेलगाम हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, 8 लोग इस गाड़ी की चपेट में आ गए। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बाकी 7 लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इनमें 3 लोगों की हालत नाजुक है, वहीं बाकी 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा का जुलूस आगे आगे चल रहा था। इस जुलूस में यह गाड़ी भी शामिल थी और जुलूस के पीछे धीरे धीरे चल रही थी। अचानक लगा जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर जोर से दबा दिया हो। इसके बाद गाड़ी आगे चल रहे लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगी। जुलूस में शामिल लोगों के मुताबिक देखते ही देखते इस बेकाबू गाड़ी ने 5 लोगों को तो कुचल दिया, वहीं अन्य 3-4 लोग इस कार से टक्कर के बाद घिसटते हुए घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिकी उपचार के बाद इन्हें अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक की जांच से पता चला है कि चलती गाड़ी में ड्राइवर को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था। इसकी वजह से वह गाड़ी में ही लुढ़क गया और हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इस शोभा यात्रा का आयोजन जांगीर समाज के लोगों ने किया था। जुलूस सुबह 11 बजे शुरू हुआ और शहर के करवा गली के पास गुजरते समय यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक कार के चालक को भी अजमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.